कैंट पुलिस ने तहसील सदर गेट पर मारपीट करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को पुरानी पुलिस चौकी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान विष्णुधर दुबे उर्फ बबलूधर दुबे पुत्र विनोदधर दुबे निवासी सिंदुली बिंदुली निकट डुमुआ ढाला थाना रामगढ़ताल के रूप में हुई है। एसपी सिटी ने बताया कि 24 मार्च को भास्कर दुबे द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर तहसील सदर गेट पर पार्किंग वालों से पूर्व में हुए विवाद के चक्कर में करुणेश शुक्ला दूसरा तनवेंद्र प्रताप सिंह तीसरा यश प्रताप सिंह चौथा बबलू को मारा पीटा गया था, जिसके संबंध में कैंट थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसको देखते हुए कैंट पुलिस द्वारा भास्कर दुबे पुत्र तुलसीधर दुबे निवासी बड़गो थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर दूसरा सूरज शुक्ला पुत्र राजेंद्र प्रसाद शुक्ला निवासी ग्राम ककरही थाना गोला बाजार जनपद गोरखपुर को 28 मार्च को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वहीं 29 फरवरी को मुकदमे में वांछित अभियुक्त विष्णुधर दुबे उर्फ बबलू दुबे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया तथा वांछित अभियुक्तों की तलाश जारी है। जल्द ही उन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। गिरफ्तारी करने वाले पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, वरिष्ठ मनीष कुमार यादव, उप निरीक्षक रवि कुमार, हेड कांस्टेबल लक्ष्मीकांत, कांस्टेबल दिलीप कुमार, वीरेंद्र तिवारी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, इस तारीख को एक तहसील गेट पे घटना हुई थी, जिसमें पार्किंग को लेकर के विवाद रहा था और उसमें 5 लोगों ने मारपीट की थी, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। उसमें मुकदमा अपराध संख्या 189/22 धारा 147 323 504 506 308 इसमें पंजीकृत किया गया था और इसमें कल गिरफ्तारी हुई थी दो लोगों की, भास्कर दुबे और सूरज शुक्ला, उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था। उसी क्रम में आज एक और व्यक्ति गिरफ्तारी हुए, विष्णुधर दुबे उर्फ बबलू दुबे पुत्र विनोदधर दुबे निवासी सिंदुली बिंदुली डोम्बा थाना रामगढ़ताल, ये लगभग 40 वर्ष का है और इसका आपराधिक इतिहास भी रहा है। इसमें लगभग 9 मुकदमे इसके पहले भी रहे हैं, जिसमें मारपीट बलवा आदि शामिल है और ये रामगढ़ताल से एचएस भी है, तो इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है।